एनएफटीड बीएसएनएल नॉन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ओर से जलंधर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीएसएनएल दफ्तर को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें उचित धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिस कारण उन्हें उचित सामग्री व उपकरणों की खरीदारी करने में असमर्थता आ रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे 27 नवंबर को हड़ताल कर देंगे। इस मौके पर शक्ति कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एनएफटी बीएसएनएल जलंधर साडिया आज की डिमोन्स्ट्रेशन का मेन कारण है जॉइंट एक्शन कमेटी वालों जो लिया गया फैसला है। साडिया 30 प्रॉब्लम्स जो पिछले बहुत समय तो पेंडिंग चलदिया आ रही, जिन्होंने ना तो गवर्नमेंट सुनती है, जे गवर्नमेंट सुनती है तो बीएसएनएल हेडक्वार्टर भेजती, कभी मंत्री को चली गई, कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया। आज इस डिमोन्स्ट्रेशन का मेन कारण है 27 तरीक की स्ट्राइक की मेन प्रेपरेशन जरूरी है। तो जिहड़ियां मंगां साडियां इन्नी देर तो लटक रही मुलाजमान के बहुत सारे जिहड़े बेनीफिट्स जिहड़े आ खोए जा रहे हैं, किस एल आई एल टी सी होया जां साडे आर एम दी इनक्रीमेंट का मसला होया।